अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमेरा टेस्टी किचन एंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में चिकन टिक्का नूडल्स बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और ये चिकन टिक्का नूडल्स हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जिसमें हम कुछ वेजिटेबल्स भी शामिल करेंगे। और चिकन टिक्का तो है ही इसमें, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो देखने में इतनी खुशनुमा लग रही हैं, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला शामिल किया है। अब हम इसमें 2 लेमन जूस शामिल करेंगे, यानी कि 2 लेमन का जूस जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि चिकन जो हमारा तो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए और तमाम मसाला जो है चिकन के पीसेस पर लग जाए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और हमें जो वेजिटेबल चाहिए, वो ये 4 वेजिटेबल हैं, यानी कि शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और प्याज। और सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून से 2 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के डाले हैं, ताकि नूडल्स जो हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए और आपस में चिपके नहीं। अभी हम नूडल्स इसमें डाल देंगे। मुझे नूडल्स कम लग रही थी, यानी कि 1 पैकेट मुझे कम लग रहा था। मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना था, तो मेरे पास कुछ मैक्रोनीज भी पड़ी थी, एल्बो मैक्रोनीज, मैंने वो भी बॉयल करते वक्त इसमें डाल दी हैं। नूडल्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे, और जब नूडल्स हमारी बॉयल हो जाएंगी तो हम उसको ड्रेन कर देंगे और ठंडा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपके नहीं। अभी मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया है, और इसमें 4 से 5 जवे जो लहसुन के हैं वो मैंने बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। 4 से 5 सेकंड के बाद हम इसमें प्याज जो है को चकोर कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज वो डाल देंगे। और प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने जस्ट इसको सोते ही करना है, और पिंक कलर का प्याज करना है। ये बहुत ही मज़े के नूडल्स बनकर तैयार होती हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो आप इसमें से चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि चिकन है, तो इससे ये चिकन के साथ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। देन अगर आप चाहें तो आप इनको जस्ट वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। और प्याज हमारा सोते हो रहा है, और हमने जस्ट इसको 3 से 4 मिनट के लिए ही सोते करना है। ना तो हमारे लहसुन पर कलर आना चाहिए और ना ही प्याज पर कलर आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ों पर कलर आएगा तो हमारी वेजिटेबल्स और या हमारी नूडल्स में जो है वो टेस्ट नहीं आएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। और प्याज हमारा जो मोस्टली वो डन हो चुका है। अब मैंने 1 पाव गाजर, 1 पाव शिमला मिर्च और 1 आधा बंद गोभी का फूल लिया। अगर आपके पास छोटा है तो आप पूरा ले ले। और ये प्याज हमारा सोते हो चुका है। हम सबसे पहले इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो कि हमने मैरिनेट किया हुआ है 15 से 20 मिनट के लिए, और इसको हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। चिकन और वेजिटेबल्स को फ्राई करने का हमारा जो तमाम प्रोसीजर है वो जस्ट हमारा हाई फ्लेम पर ही होगा, ताकि चिकन और वेजिटेबल जो है वो पानी ना छोड़ें। ये चिकन को डाले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर चूँकि ऑफ सीज़न आ रही है, तो इसलिए ये गाजर ज़रा सख्त होती है, इसलिए हम इसको पहले डालेंगे। गाजरों को डालने के 5 मिनट बाद हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें बंद गोभी भी डाल देंगे, जो कि मैंने चकोर काटी हुई है। आप चाहें तो आप इसमें और वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो आप इसमें स्वीट कॉर्न भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इनको हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसलिए कुक करना है, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं कुक होने के लिए पानी ना छोड़ें। अब हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून टिक्का मसाला शामिल करेंगे, जो कि हमारी वेजिटेबल्स को और हमारी नूडल्स को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा।
का मसाला शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 4 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। और ये 4 टेबलस्पून सिरका हमने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड करेंगे। और हमारी वेजिटेबल कुक हो चुकी है, अब हम इसमें नूडल्स जो हैं जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई है वो डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और देखिए इसमें मैक्रोनीज भी नज़र आ रही हैं और नूडल्स भी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इनको वेजिटेबल्स को और मैक्रोनीज को और नूडल्स को मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप यही रेसिपी मैक्रोनीज के साथ भी बना सकते हैं। और ये हमारी नूडल्स जो है चिकन टिक्का नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। मैंने इनको 5 मिनट दम पर भी लगाया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये इनकी फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल हमारी चिकन टिक्का नूडल्स बनकर तैयार हुई हैं। और अगर आप इसमें थोड़ी स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती इसलिए मैंने नॉर्मल सी मिर्चें ऐड की हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ, दुआ में याद रखें, अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।